Who was your favorite character? Next. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं लाइब्रेरी, और हम पहले भी जा चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है, तो आज हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाड़ी बज रही है पता नहीं क्यों। तो ये सारी बुक्स है जो हमको रिटर्न करनी है। तो ये आ गई है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बाहर से भी हम बुक्स रिटर्न कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइब्रेरी के बाहर इन्होंने एक विंडो बना रखी है, बस आपको जहाँ रिटर्न लिखा हुआ है वहाँ आपको बुक्स डालनी है, फिर वो लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और ऐसे यहाँ बाहर से बुक्स रिटर्न होती हैं। बस चेरी आते ही इसको पता है कि कहाँ इसको अपना जैकेट डालना है, तो चेरी ने बस अपना जैकेट रखा और आते ही बस ये खेलने लगी है। तो बस हमारा ये रहता है कि जब भी लाइब्रेरी आते हैं तो चेरी ये कार वाले एरिया में ही प्ले करती है, और फिर यहाँ पे इन्होंने छोटे बच्चों के लिए कुछ पज़ल्स वगैरह रखे हुए, और एक किचन सेट इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों को इंगेज करने के लिए। और लाइब्रेरी को जो डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, ये भी काफ़ी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया हुआ है ना। अभी भी बहुत सारी सीडीज़ और डीवीडीज़ हैं, पता नहीं ये लोग कैसे देखते हैं इनको। अभी भी यहाँ बहुत सारी सीडीज़ और डीवीडीज़ पड़ी है बच्चों के लिए, और मुझे नहीं समझ आता अब भी शायद लोग ले जाते होंगे या उनके घर में प्लेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं इनको प्ले करने के लिए, पता नहीं। बट हाँ, स्टिल दे आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ये कुछ बैग्स यहाँ पड़े हुए हैं पिकअप वगैरह करने के लिए। यहाँ पे कुछ मूवीज़ रखी हैं जो नई हैं। चेरी को वॉशरूम जाना था तो अभी हम वॉशरूम आ गए, और वहाँ पे कुछ अभी आज लीप ईयर है, 29 फरवरी है, तो लीप ईयर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो हम लोग अभी वो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कंप्यूटर्स भी रखे हैं गेम खेलने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए, तो वो भी दिखाती हूँ। बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं ना, अच्छा लग रहा है ना। ये ना किड्स एरिया है लाइब्रेरी का, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बना बना क्या के पूरी लाइब्रेरी की वॉल पे पेस्ट की हुई है। ये बनाना है घर जाके? और देखो हार्ट भी अच्छा है चेरी, हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स है और यहाँ हमारा अकाउंट नंबर डालना है, फिर यहाँ बच्चे कुछ गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आज एक बिग बैंग थ्योरी वाली बुक ली, थोड़ा कुछ भी जाएगा दिमाग में उसके कुछ तो समझ आएगा। बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे जो ओनली प्लैनेट से रिलेटेड है। ये मून, द मून, सारी मून वाली बुक्स हैं। ये कुछ बुक्स चाहिए थी, कुछ पार्टिकुलर बुक, तो उन्होंने कैसे सर्च करी है मैं दिखाती हूँ। सारी बुक्स पे जैसे लग रहा है ना 395, तो ऐसे नंबर लिखे हुए हैं और सबका प्लेस फिक्स है कि ये बुक्स यहीं रहेंगी। हमने बॉडीज वाली बुक देखी है ना, बॉडी पार्ट्स वाली, तो वो देख रहे हैं। चलिए यहाँ देखना, डिस्कवर द सेंसेस बुक हमने कलेक्ट कर ली, और अब हम लीप डे वाली कुछ एक्टिविटीज करेंगे। इस पेपर पे इनको अपनी फेवरेट चीजें लिखनी है। इसके बाद कहते ई बुक इज आल्सो सिंड्रेला फेवरेट बुक, ऊपर वाला कॉपी कर दो। ए ए आर आर आई आई ओ ओ मारियो। पी के बाद फेवरेट गेम में क्या लिख रही हो? मारियो। और कलर, फेवरेट कलर पिंक, फेवरेट कलर इज पिंक। पी के बाद आई आई। तो ये बाहर के एरिया है, और यहाँ पे भी काफ़ी बुक्स हैं। कंप्यूटर वाला सेक्शन डिफरेंट था, और जो प्ले एरिया था वो भी डिफरेंट था, वहाँ भी काफ़ी सारी बुक्स थी। फ्रॉग्स रखे हुए हैं लीप ईयर बताने के लिए, लेकिन हम दोनों तो प्ले करने लग गए इससे। फ्रॉग्स फाइटिंग नहीं हो पा रहा है मेरा। इंडिया में ना, मेरे होम टाउन में तो ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी, तो मुझे यहाँ की लाइब्रेरी देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक छोटा सा टाउन है और इसमें भी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, और उसमें सिर्फ बच्चों के लिए हज़ारों बुक्स हैं। हमने कौन सी बुक ली है?
not slurp the soup. Manners. The Big Bang Theory. यहाँ पे वंडर बुक्स भी हैं जो ऑडिबल है तो हम उनको सुन सकते हैं। तो अब हम बुक्स चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर लेज़र लाइट में आपको कार्ड रखना होता है तो बारकोड से ये एक्सेस करता है और फिर यहाँ पे आपको बुक्स रखनी होती है जहाँ कार्ड्स रखी है तो बुक्स इशू हो जाती है। और अभी ये दिखा भी देगा अभी मैंने कितनी बुक्स ले ली है। रात के नहीं इवनिंग के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे ना स्पेस कम है तो सब गाड़ी एक के पीछे एक ही पार्क करते और निकालनी भी फिर वैसे ही पड़ती है। सब ने लाइन से अपनी गाड़ी पार्क की हुई है तो बस हम अंदर जाएंगे और फिर हम ऑडियो बुक देखते हैं। तो यहाँ जो ये रेड बटन दिया है इससे हम इसको ऑन कर सकते हैं। Welcome to the wonderful world of reading. In this I can read story, My Weird School, Teamwork Trouble, you will be going on a fun adventure. Are you ready to read? Here we go. देखो चेरी बुक खुद से आपको पढ़ा रही है। My name is Ryan and I love sports. Baseball, dodgeball, basketball, anything with a ball. I play on a football team with AJ and Andrea. तो बस ये पास्ता ही हमारा डिनर है और इसमें बहुत सारा मैंने इस बार चीज डाला है। हमारा हो गया डिनर मेरा और शेरी का। इसको पता नहीं आजकल क्या हुआ, आजकल बोलती है मम्मा आई डोंट लाइक इंडियन फूड, तो उसको खाना ही नहीं होता है ये सब, क्योंकि चेरी लंच जो है वो स्कूल में ही करती है तो स्कूल में बर्गर पिज्ज़ा पास्ता वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है तो उसको वो ही सब पसंद आता है। लग रहा है कि अब इसका स्कूल वाला खाना बंद करना पड़ेगा और घर से ही लंच देना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल रोटी वगैरह खाना तो बंद ही कर देगी। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।